जी मैं इस वक्त नुमाइश चुरंगी है यहाँ पर मौजूद हूँ और मुहर्रम उल हराम का जो है आज आठवीं का दिन है और कराची में जो है दहशतगर्दी के जो है खतरात मौजूद हैं और कराची में तमाम तर मजालिस और तमाम तर जुलूसों को जो है हसास करार दिया है और खासकर जो ये इलाका है एम ए जना रोड है और उसके अलावा दीगर जो नुमाइश चुरंगी है यहाँ पर, क्योंकि सबसे अहम ज्यादा बड़ा जुलूस यहीं पर होता है और सबसे ज्यादा मजालिस भी जो बड़ी मजालिस होती हैं निश्तर पार्क है यहाँ पर होते हैं। इस वक्त जो है जुलूस की निगरानी के लिए जो है खासकर जो 9 और 10 मुहर्रम का जुलूस होगा इसकी निगरानी के लिए आरजी यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं अकब में ये पुलिस चौकियाँ कैम की गई हैं, उसके अलावा ये रेंजर की बख्तरबंद गाड़ियाँ जो है अभी से यहाँ पर खड़ी कर दी गई हैं और इसके अलावा आप मेरे पीछे दूसरे तरफ ये देख सकते हैं कि सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों की मदद से एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है और कंट्रोल रूम के जरिए तमाम तर ये जो एम ए जनार रोड पर जुलूस है या दीगर इलाकों में सदर के इलाके में जुलूस है, उसके अलावा तिब्बत सेंटर पर जुलूस है जो निकलेंगे, उनकी तमाम की जो है कंट्रोल रूम जो बनाया गया उसके जरिए जो है कि सीसीटीवी कैमरों के जरिए जो है तमाम मजालिस और तमाम जुलूसों की जो है निगरानी की जाएगी। आप दूसरी जानब ये देख सकते हैं मेरे जो है पे दूसरी जानब यहाँ पर निश्तर पार्क है। इस वक्त निश्तर पार्क के तमाम तर जो भी आने जाने वाले रास्ते हैं उनको ये देख सकते हैं कि सील कर दिया गया है और तमाम तर जो है उसके अलावा रुकावटें खड़ी गई हैं। दूसरी जानब जो है आप ये भी आप देख सकते हैं कि कनाते लगाकर वो भी जो आने जाने वाले रास्ते हैं वो भी बंद किए जा रहे हैं और बंद किए जाएंगे। 9-10 मुहर्रम को तमाम तर तजावजात का जो है वो भी खात्मा कर दिया जाएगा और एम ए जना रोड आने जाने वाले दाखिली खारजी रास्ते जो है इनको सील कर दिया जाएगा और रेंजर के दो जो है रेंजर की जानब से हेलीकॉप्टर होंगे उनकी जरिए फिजाई निगरानी भी की जाएगी और खासकर जो है जो एम ए जना रोड है इसको जो है मुकम्मल तौर पर सील कर दिया जाएगा और इसके अलावा जो इतराफ की बिल्डिंग है इनके ऊपर भी जो है छतों के ऊपर भी जो है सिक्योरिटी के जो है कानून नाफिज़ करने वाले इदारों के अहलकारों को जो है तैनात किया जाएगा आजादारों की हिफाजत के लिए और तमाम तर जितने भी यहाँ जुलूस होंगे सबकी निगरानी की जाएगी। इस वक्त जो है साउथ जोन और ईस्ट जोन के खासकर ज्यादातर मजालिस और ज्यादातर जो इलाके जो है हसास करार दिए जा रहे हैं वो साउथ जोन है और जो कि ईस्ट जोन है इसके इलाकों में ज्यादातर मजालिस भी इन इलाकों में है और सबसे अहम है जो कि निश्तर पार्क है कराची में जो है नुमाइश चुरंगी के अकब में वाकया है यहाँ पर भी जो है सिक्योरिटी कैमरे नस्ब किए गए और तमाम ज्यादातर मजालिस जो है बड़ी मजालिस यहाँ पर होगी और अभी से मजालिस का सिलसिला जारी है। सिक्योरिटी कैमरों के जरिए जो तमाम तर मजालिस की जो है निगरानी वो भी की जा रही है। तकरीबन 15,000 से जायद पुलिस एहलकार और रेंजर के एहलकारों की ड्यूटियां लगाई जाएंगी, इसमें कमांडो के जो कमांडो के जवान है वो भी मौजूद होंगे और खासकर जो है एसएसपी साहबान है डीआईजी साहबान सबकी ड्यूटियां तमाम तर जो है कराची में खासकर सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और उसके अलावा पुलिस की छुट्टियां जो है मुहर्रम की वजह से जो है वो मंसूख कर दी गई हैं और तमाम तर कानून नाफिज करने वाले इदारे अमन अमान की बहाली के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हुकूमत सिंध की जानिब से अहम जो है इकदाम किए जा रहे हैं और खासकर जो है आजादार हैं उनकी हिफाजत के लिए तमाम तर इकदाम जो भी वसायल हैं वो बरोएकार लाकर मजालिस की और जुलूसों की जो है वो हिफाजत की जाएगी।